तोमर हाजिर हूं फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। मारवा जंक्शन उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मांडा की फूलिया गांव में आज राव कुंपा जी का जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन के अवसर पर 500 महिलाओं ने 500 पौधारोपण किया। गांव के सरपंच ने कहा कि आज राव कुंपा जी का जन्मदिन है और नरेगा के तहत 500 पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है, वह भी महिलाओं द्वारा। महिलाओं ने मंगल गान गाते हुए पौधारोपण किया और 500 पौधों को रोपण किया। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि विधायक खुशवी सिंह की प्रेरणा से यह कार्य किया गया है। उप सरपंच हरि सिंह जी ने कहा कि सरकार एक कानून बनाए कि नरेगा के तहत वृक्षारोपण भी किया जाए, साथ ही एक महिला एक वृक्ष नरेगा के तहत लगाया जाए और उसका पालन पोषण भी उक्त महिला को जिम्मेदारी सौंपी जाए। बरसात के समय नरेगा का कार्य अधिकतर रूप से बंद हो जाता है क्योंकि मिट्टी का कार्य होता है महिलाओं के लिए, लेकिन इस बार जो जब भी सावन का महीना है, बारिश का महीना, भादों का महीना होता है, बारिश का दौर जारी रहता है, इस समय नरेगा को बंद न करके इस नरेगा के तहत वृक्षारोपण किया जाए जिससे एक प्राकृतिक जीवन हम बचा सकते हैं और वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्षारोपण से हमारी हरियाली होगी, जीवन नष्ट नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, उससे हम बचा सकते हैं और वृक्षों की जो दिनों दिन कमी होती जा रही है, इससे हमारी इस वृक्षारोपण से इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। यह कानून बनना चाहिए और आज जो महिलाओं ने 500 पौधे वृक्षारोपण किए हैं, पौधे रोपे हैं, ये काबिल तारीफ है और ये सभी कार्य विधायक खुशी सिंह की प्रेरणा से किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह महिलाएं अपने हाथों में पौधा लेके खड़ी हैं और ये वृक्षारोपण कर रही हैं। यह फूलिया गांव जो राव कुंपा जी का गांव है, जन्मस्थली है, वहां पर इस पुण्य कार्य को महिला द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्रामीण के प्रबुद्ध जन भी शामिल रहे। देखिए आप हमारी यह रिपोर्ट। जब तक बने रहिए मेरे साथ, फिर आ जाऊंगे एक नई खबर के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।